मेरे बच्चों ने इन्वेंट किया है हेयर स्टाइल, और मुझे बहुत कमाल का लगता है। ये 9:34 है रात के। व्लॉगिंग इज वेरी डिफिकल्ट यार, आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द व्लॉगर्स यार। छोटी सी डब्बी, दिस इज लाइक 1000 रुपीस। कस्टमाइज्ड, यू नो, हार्मोनिका विद माय नेम ऑन इट। काफी रियली लाइक्ड इट। वेरी नाइस, थैंक यू एक्सएल। हां, दो के फ्रेश माइंड से तैयार कर लिया अपना माइंड कि सुबह-सुबह उन्हें पेश कर दिया जाए कि लो बच्चों खा लो इसे। तो गाइस, नो स्टॉर्म आ रखा है हमारे वाले एरिया में, कनेक्टिकट में और आसपास के एरियाज में। अभी कब तक चलने वाला बेटा ये? ओ या मतलब आंसर चाहिए, ओ या नहीं पूछा, वो तो मुझे पता है। यस यस, ये चल रहा है। लेट्स गो। वेयर नूनू कर रही है? आई थिंक आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच बिग बॉस। इमेजिन, इस घर में तीन तीन टीवी होते हुए हम एक ही जगह एक ही रूम में टीवी देखते हैं, क्योंकि यार ये इतने बच्चे छोटे हैं कि अकेले तो बैठ के देख ही नहीं सकते। ऊपर से हमें ये भी लगता है कि थोड़ी ना हमारी ऑब्जर्वेशन में भी रहते हैं, अगर हम एक जगह बैठेंगे तो हमें पता है कि क्या कंटेंट देख रहे हैं, सो विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन उस चक्कर में यार हमारा टीवी देखना तो बहुत ही बर्बाद हो गया। इन्होंने सोना नहीं, इनकी नींद ले गई है, तो नींद आ ही नहीं रही है इनकी, तो नींद। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ये फोन मेरा चैन लेके जाए। इसको भाई फोन का बहुत चस्का है, मतलब देखो पीछे गर्दन मुड़ मुड़ के ऐसे कि फोन रखा है ना इधर, तो फोन देखना है, फोन में लाइट ब्लिंक होती है ना भाई, इनको बहुत चस्का है। अबीर इस एज में बहुत शरीफ था। हेलो हेलो जी, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित, हैप्पी, और जो भी हैप्पीनेस की और डेफिनेशन हो सकती है वो सब होंगे। बट बहन का हाल है बहुत बुरा, और वो आप लोगों को पता है, मेरे ब्लॉग से क्या आपको रिसेंट पता चल रहा होगा कि मेरे हालत इतने बुरे क्यों है। इसलिए अभी मेरी हालत वैसे अभी सुधरी हुई लग रही हूँ, क्योंकि मैं अभी शावर लेकर आई हूँ, हेयर वॉश कर आई हूँ, और टाइम क्या हो रहा बताऊँ तुम्हें? सच में आई टेल यू, वाट लगी हुई है, वाट 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 लगी हुई है, वाट का भी दादा पर दादा लगा हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब पता था कि इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट अकेले ना दो बच्चों को एट सेम टाइम हैंडल करना, हैट्स ऑफ टू सबको यार, शत शत प्रणाम है, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। एक छोटा सा नमूना पेश करती हूँ। टाइम क्या हो रहा है, मैसेजेस नहीं दिखाऊंगी। 9:34, ये 9:34 कब के हैं पता है आपको? 9:34 है नाइट के। अभी मैंने लिया है शावर, अभी मैंने किया अपना हेयर वॉश, और वीकेंड की कुछ ना तैयारी कर रही हूँ, और ज्यादा मेरे बच्चे मेरी वाट लगाने वाले हैं ना, तो इसलिए पहले से ही नहा धो के, बाल धो के, एकदम फ्रेश माइंड से उन्हें फ्रेश माइंड पेश किया जाएगा कि खाओ बच्चों खाओ, ये आपके लिए है, तो इसलिए मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। मैंने को तो गोवा आए हुए हैं,
और सबको लग रहा होगा कि भाई क्या फन क्या फन क्या फन चल रहा है। 5 दिन से इसी होटल में है, ऊपर नीचे जाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नीचे बीच पे गए थे। आज जाके थोड़ा सा टाइम मिला है कि कुछ फन किया जाए, बट थकी इतने गए हैं कि आज प्लानिंग ये है कि हम अपना रिलैक्स करेंगे। इट्स बीन रोलर कोस्टर ऑफ अ फ्यू डेज, बट इट्स अ नाइस प्लेस। अगर आप छुट्टी लेके आओ, एंजॉय करके आओ। यहाँ तो हम तो अपने ऑफिस के कामों में ही लगे रहे। दिस इज हाउ लुक्स। काफ़ी एक्शन पैक ट्रिप रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप तो ख़त्म हो चुका है, विच वॉज जो ऑफ साइट थी हमारी ऑफिशियल वाली, सेशन 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 सेशंस। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिप इज़ यहाँ से पूना, पूना से दिल्ली। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे दिन हमारे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। और लास्ट कुछ दिनों में ज़्यादा कुछ कैप्चर भी नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिशियल इवेंट्स थे, तो यू नो कांट रियली कैप्चर अ लॉट ऑफ इट। बट जितना भी थोड़ा बहुत है वो कर दिया है। बट इट्स डिफ़िकल्ट यार, ब्लॉगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यार। आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ब्लॉगर्स यार। एक तो याद नहीं रहता यार, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि याद रखना कि कहाँ जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें अपना रिकॉर्ड करनी है, कैमरा निकालना है, फ़ोन निकालना है, स्टार्ट करना है, बोलना है। दी अदर इज़ टेक्स पेशेंस है, उनको वेट करना, रोकना, अपना स्पॉट्स ढूंढना, टाइम ढूंढना। सो प्रिटी गुड यार, प्रिटी गुड। सो यूजुअली जब ऑफ साइट्स पे आते हैं तो टिपिकली काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। And over the years, I've realized ki more and more customization is happening in these gifts. To is baar hume mila hai ek ye Goan style Napa Dori bags. Ye mere initial hai, Kuldeep Singh. That's the bag. It's a weekender style bag. This is EXL branded T-shirt. Ek Da Milano ki laptop sleeve. This is my badge for the offsite, and this I like very much. ये तो काफ़ी अच्छा है। It's a harmonica customized case and customized, you know, harmonica with my name on it. Really like it. Very nice. Thank you, EXL. Pretty nice gifts. सो हेलो हेलो जी, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। यार मुझे खुद नहीं पता मेरे व्लॉग आजकल कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ छूट रहे हैं, कहाँ मैं बीच में छोड़ती हूँ। बट बहुत ही थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सा चल रहा है आई नो क्लिपिंग्स में, बट यार अब समझ जाओ यार। ये अबीर और आर्यन के साथ जो ये कुलदीप का सबसे लंबा स्टे है, जो वो घर से बाहर रह रहा है, और इन दोनों बच्चों ने भाई गॉड जो आफत उतार रखी है ना इस घर में, जो आफत उतार रखी है ना दोनों बच्चों ने। ये आर्यन तो है तो टिंगा सा, पर पता नहीं इसे स्लीपिंग पैटर्न्स को क्या हो गया है भाई, सोता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोता है। अबीर का तो आप लोगों को पता है खाना क्या नहीं, उसकी क्लासेस एंड व्हाट नॉट। अब देखो उनको शाम टाइम टू टाइम अपडेट भी देने पड़ते हैं, पूछ रहे हैं वेदर इट्स स्नोइंग, जो हुक्म अभी देख के बताती हूँ मैं आपको, ठीक है ना। स्नोस्टॉर्म आ रखा है हमारे वाले एरिया में, कनेक्टिकट में और आसपास के एरियाज में, और मैं आपको बाहर का ना मंजर दिखाती हूँ। ये क्या मंजर है भाई, और ठंड पता है कितनी है, -12 है। फील्स लाइक -12। एंड आर्यन है मेरी गोद में, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। उफ, देखो एक हाथ से काम करने में माहिरता जो मैंने हासिल करनी है ना, मैं PhD कर ली एक हाथ में काम करने से। ये देखो इस फ्रीजिंग को, जम जाएगा कोई 5 मिनट खड़े होना। आइसक्रीम नहीं होती वो आइस लॉली आइस कैंडी, उसकी तरह जम जाएंगे भाई गॉड। पर बाहर का मंजर ये, और कह रहे थे यार स्नो फॉल होने वाली है, सब बिग स्टॉर्म इस पूरा हफ्ता। मैं यही सुनती आई हूँ स्टार्टिंग से, आस पड़ोस फ्रेंड्स मैसेजेस सबसे सुनती आई हूँ, स्नो स्टॉर्म होने वाला है। अच्छे से अपना फूड सप्लाईज ये सब अपना स्टॉकअप करके रख लो, सारी चीज़ें कर लो, बाहर ना जाना पड़े वीकेंड पे। एंड भाई गॉड यार शाम से ना 5 से 7 बज रहे हैं, मतलब मुझे कहीं स्नो नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रही होगी, बट ठंड बहुत है ये मैं कह सकती हूँ। सो गाइज इग्नोर माई न्यू हेयर स्टाइल, ये हेयर स्टाइल आई नो मुझ पर बहुत सूट करता है आजकल, मेरे बच्चों ने इन्वेंट किया है हेयर स्टाइल और मुझ पर बहुत कमाल का लगता है। तो ये जो खड़े हुए बाल हैं ना, इनको इग्नोर करके मेरी बातों पर ध्यान दिया जाए। पता है क्या, स्नो स्टॉर्म जब यहाँ पर होता है ना तो मतलब जनता गेट्स क्रेजी। एक तो कि भैया फूड सप्लाई एकदम फूड स्टॉकअप कर लो, पता नहीं क्या तूफान है आने वाला है, घर से बाहर मत निकलना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर
होते हैं चीजें, बहुत यू नो वार्निंग्स आती हैं तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं। हाउएवर पर इसका अपना मज़ा होता है स्नो का, ट्रस्ट मी गाइस। जो इंडियंस हैं, जो जैसे मैं फर्स्ट टाइम यूएस से जब यहाँ पे आई थी ना, तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि हम लोग ईस्ट कोस्ट पे जा रहे हैं, स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग था मेरा फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहले स्नो नहीं देखी थी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहीं ईस्ट कोस्ट पे ही था आके कि मैं स्नो देखूंगी। तो डिपेंड करता है, या तो स्नो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ेगी या थोड़ी देर एक डेढ़ घंटा बढ़ के ना सबसाइड हो जाएगी। तो जो ये वाला स्नो पड़ने वाला है, ये पड़ने वाला है हैवी, आई थिंक 12 फीट कुछ के आसपास पड़ने वाला है। और बाकी अपडेट मैं आपको अंदर जाके देती हूँ, बिकॉज एकदम बहुत ठंडी हवा चल रही है। बट यस, ये सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है, हम तो करने वाले हैं जी बहुत इंजॉय। तो कल सुबह आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है, एकदम ओपन फील्ड ना, कुछ नजर नहीं आ रहा ना। कल देखना भाई, कल मिलेंगे, कल देखना यहाँ पे स्नो भरी पड़ी होगी, कुछ नजर नहीं आएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ये है आज का डिनर। यूएस से अगर आप आओ तो आपको लगता है कि अरे यार इंडिया तो बड़ा सस्ता है, इंडिया तो बड़ा सस्ता है, बट ये छोटी सी क्या है, छोटी सी डब्बी, जैसे लाइक 1000 rupees, ये छोटी सी कढ़ाई 1000 rupees, आई मीन दिस इज जस्ट टू मच। इंडिया अब इतना सस्ता नहीं रहा जितना लोग समझते हैं। Clowns. मैंने बताया था गाइज, ऐसा लगता है ना कि ऊपर से कॉटन एकदम आसमान से टपक रही है और एकदम सारा धीरे 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 करके पूरा वाइट हो जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक 5 या 10%। इमेजिन जब ये 100% कल मॉर्निंग में दिखेगा ना, जो व्यू होने वाला जब हम उठेंगे, लाइक अमेजिंग अमेजिंग, बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पास व्यू मतलब एक होता है ना, वर्ड्स ही नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो देखने के लिए आप लोगों को मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। That was yummy. Did you eat snow? Yeah. Oh, अभी तो टेस्ट भी कराया स्नो। तो वो देखने के लिए आप लोगों को मेरा देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय द व्यू।